भारत में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन से जुड़ी अब कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी है। गौरतलब है कि ये इंटीरियर की तस्वीरें देखकर उन विदेशी पत्रकारों की जरूर जली होगी जो कि चाइना से फंडिंग उठाकर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। जब भारत ने पॉपुलेशन के मामले में चाइना को ओवरटेक किया तब इन्होंने कुछ ऐसी रेसिस्ट फोटो अपलोड कर दी। बट अब फाइनली बुलेट ट्रेन की ऐसी इंटीरियर की शानदार पिक्चरें आने के बाद ऐसी फोटोज तो ये बिकाऊ पत्रकार बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करेंगे, ये तो दावे के साथ हम कह सकते हैं। खैर, ये जो बुलेट ट्रेन का कोच है इसे भारतीय कंडीशंस को ध्यान रखते हुए ही तैयार किया गया है। कुल 690 यात्री सफर कर सकेंगे। इसमें फ्लाइट की तरह फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास होगा, जबकि इसमें आपको फ्लाइट से भी ज्यादा आरामदायक सीटें मिलेंगी। NHSRCL के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में इसमें 10 कोच ही लगाए जाएंगे, इसके बाद हम 16 कोच कर देंगे। इस बुलेट ट्रेन के फर्स्ट क्लास में 15 सीटें होंगी, जबकि बिजनेस क्लास में 55 और इकोनॉमी क्लास में 620 यात्री सफर कर सकेंगे। इसमें प्लेन से भी ज्यादा स्पेशियस वॉशरूम, टॉयलेट आपको देखने मिलेगा। इसके अंदर एक स्पेशल कमरा भी होगा जिसमें कोई महिला अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती है। अगर वो रूम ऑक्यूपाई नहीं है तो इसमें कोई बीमार आदमी भी आराम से सफर कर सकता है। मुंबई से साबरमती के बीच 508 किलोमीटर तक चलने वाली ये बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन 2026 में सूरत से बिलिमोरा के बीच होगा। आमतौर पर टेस्टिंग के वक्त ट्रेन को फुल पोटेंशियल में दौड़ाया जाता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर की ही। जापान की ये अभी तक की वन ऑफ द लेटेस्ट सीरीज की बुलेट ट्रेन है E5 सीरीज की, जिसमें भारतीय कंडीशन के मुताबिक कुछ बदलाव किए गए हैं एयर कंडीशनिंग में, क्योंकि भारत में डस्ट भी ज्यादा है तो इसमें एक्स्ट्रा हैवी फिल्टर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। खैर, भारत की अपकमिंग बुलेट ट्रेन की ऐसी शानदार जानदार पिक्चरें देखकर अगर आपको भी मजा आया है तो कमेंट्स में आप जय हिंद लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।